नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है मॉर्निंग न्यूज का, तो आइए शुरू करते हैं आज की बड़ी और खास खबरों का सिलसिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यूएस के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वह बाइडेन से मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी के पूरे कार्यक्रम को लेकर विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी है। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री विल्मिंगटन डेलावेयर में चौथे क्वाड नेताओं के शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। आतिशी ने मुख्यमंत्री पद के शपथ ग्रहण के लिए किसी तारीख की मांग नहीं की थी, इसलिए दिल्ली के उपराज्यपाल ने नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण की तारीख 21 सितंबर यानी आज प्रस्तावित की है। आतिशी ने कहा कि वह अपने कैबिनेट मंत्रियों के नाम बाद में सौंपेंगी, जिसका मतलब है कि अभी तक कैबिनेट तय नहीं हुई है और पूरी संभावना है कि वह अकेले ही शपथ लेंगे। आज देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गढ़वा के श्री बंशीधर नगर में रहेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पलामू प्रमंडल में भारतीय जनता पार्टी के परिवर्तन यात्रा में भाग लेंगे। पलामू प्रमंडल में 21 से 28 सितंबर तक परिवर्तन यात्रा चलेगी। गढ़वा के श्री बंशीधर नगर में परिवर्तन यात्रा की शुरुआत होगी। आज श्रीलंका में राष्ट्रपति के बेहद अहम चुनाव होने वाले हैं। श्रीलंका में पैदा हुए भयंकर आर्थिक और राजनीतिक संकट के बाद होने वाले ये पहले चुनाव हैं। इससे पहले के चुनावों की तुलना में इस बार श्रीलंका में मुकाबला कहीं ज्यादा कठिन है और इस बार सबसे ज्यादा उम्मीदवार मैदान में। प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था और कवर्धा की घटना को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने आज छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया है। कांग्रेस के नेताओं का प्रतिनिधि मंडल पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ कवर्धा के लोहारी डी गया था। झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन आज और 22 सितंबर को राज्य भर में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर करवाया जाना है। इस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड JSSC की ओर से डाउनलोड के लिए ऑफिशियल वेबसाइट jssc.nic.in पर उपलब्ध करवा दिए गए हैं। कांग्रेस के नेतागण पुलिस अभिरक्षा में मृत प्रशांत साहू की अंत्येष्टि में शामिल हुए तथा परिजनों से भी मिले। पश्चिम बंगाल के जूनियर डॉक्टर्स आज कोलकाता में सॉल्ट लेक स्थित स्वास्थ्य भवन के बाहर 10 सितंबर से जारी धरना प्रदर्शन खत्म कर देंगे। धरना खत्म करने से पहले वे स्वास्थ्य भवन से CGO कॉम्प्लेक्स स्थित CBI ऑफिस तक मार्च करेंगे। जूनियर डॉक्टरों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि आज से काम पर लौटेंगे। ओप्पो K12X 5G का नया कलर ऑप्शन आज शाम 7 बजे लॉन्च होगा। इस फोन को कंपनी ने ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट फ्लिपकार्ट पर लिस्ट किया है। ओप्पो फोन को 6GB प्लस 128GB और 8GB प्लस 256GB वेरिएंट में लाया गया है। स्मार्टफोन को 32 मेगापिक्सल मेन, 2 मेगापिक्सल पोर्ट्रेट और 8 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा के साथ लाया जाता है। नक्सली संगठन भाकपा माओवादी आज से 27 सितंबर तक स्थापना सप्ताह मनाएंगे। ऐसे में पूरे झारखंड पुलिस ने अलर्ट जारी किया है। नक्सली संगठन के स्थापना सप्ताह के दौरान बड़ी नक्सली वारदात की आशंका को देखते हुए ये अलर्ट जारी किया गया। उत्तर प्रदेश में भारी बारिश की वजह से 21 जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। यमुना, घाघरा, शारदा, सरयू नदी खतरे के निशान को पार कर गई है। चित्रकूट में मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ने से रामघाट डूब गया है। यही कारण है कि पटना में गंगा का जलस्तर बढ़ने पर दियारा इलाके के 76 स्कूलों को आज भी बंद कर दिया। वक्त हो चुका है इतिहास का, तो आइए जानते हैं आज का दिन क्यों है कुछ खास। आज ही के दिन सन 1857 में बहादुर शाह द्वितीय ने अंग्रेजों के समक्ष आत्मसमर्पण किया। आज ही के दिन सन 1928 में माय वीकली रीडर मैगजीन की शुरुआत हुई। आज ही के दिन 1977 में बॉलीवुड अभिनेत्री करीना कपूर का जन्म हुआ था। आज ही के दिन 1984 में ब्रुनेई संयुक्त राष्ट्र में शामिल हुआ था। आज ही के दिन सन 2022 में भारत के प्रसिद्ध हास्य कलाकार व अभिनेता राजू श्रीवास्तव का निधन हुआ था। मॉर्निंग न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।